अगर आपको उछलने को कहा जाए तो आप कितनी ऊपर तक उछल सकते हो? एक सामान्य इंसान अपने हाइट का 10% हिस्से जितना कूद सकता है, मगर यह नियम जानवरों में अप्लाई नहीं होता। आज के इस रोमांचक वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ जंपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5, रेड कंगारू। रेड कंगारू अपने शक्तिशाली पैरों पर हॉप करते हैं। एक रेड कंगारू 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये 6 फीट तक ऊंची छलांग और 25 फीट लंबी छलांग मार सकते हैं। ये कंगारुओं की प्रजाति का सबसे बड़ा कंगारू है, जो काफी शक्तिशाली भी होता है। इनके पास मजबूत पूंछ, पैर और हाथों के अलावा तेज पंजे और दांत भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपने दुश्मनों पर करता है। ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों और खुले घास के मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी इन रेड कंगारुओं को मारकर उन्हें खा जाते हैं और इसकी खाल और मांस का व्यापार भी करते हैं। नंबर 4, कंगारू रैट। आपने अपने घरों के आसपास चूहों को तो जरूर देखा होगा, जो बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, लेकिन आपने कभी उसे उछलते हुए नहीं देखा होगा। कंगारू रैट एक ऐसा चूहा है जो 9 फीट की ऊंचाई तक छलांग मार सकता है। ये उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। जब ये छलांग मारता है तब यह अपने शरीर को तेजी से घुमा सकता है, जिसे मूव फ्रीज भी कहते हैं। ये अपनी जीवन अवधि में कभी पानी नहीं पीते हैं। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि यह चल नहीं सकता, केवल उछल सकता है। नंबर 3, जंपिंग स्पाइडर। चूहों की तरह आपने जो मकड़ियां देखी होगी वो जाल बना सकते हैं, दीवार पर चल सकते हैं, लेकिन उछल नहीं सकते। ये जंपिंग स्पाइडर अपने शरीर के आकार से 100 गुना अधिक ऊंचाई तक कूद सकते हैं। जंपिंग स्पाइडर की 5000 से भी अधिक तरह की प्रजातियां पाई जाती है, जिसका मतलब है कि मकड़ियों की ऐसी 5000 से भी अधिक प्रजातियां हैं जो केवल छलांग मार सकती है। ये जंपिंग स्पाइडर दुनिया के हर एक जगह में रह सकती है, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ियों तक। ये मकड़ी जाल नहीं बिछाती, बल्कि शिकार को घात लगाकर मारती है। नंबर 2, रेड आइड ट्री फ्रॉग। रेड आइड ट्री फ्रॉग अपने शरीर की लंबाई से 150 गुना तक कूद सकते हैं। ये मेंढक कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि यह अपने त्वचा से पानी को अवशोषित करता है। यह अपने जीवन का अधिकतम समय पेड़ों पर ही बिताता है। ये ऐसे जीव है जो रात में शिकार करते हैं और दिन भर सोते हैं। रेड आइड ट्री फ्रॉग की खास बात यह है कि जब इसे गुस्सा आता है तब इसकी आंखें लाल हो जाती है और इसके शरीर का रंग नीला पीला होने लगता है, और शायद इसी के कारण वो कहावत निकली है कि आदमी को जब गुस्सा आता है तो वह लाल पीला होने लगता है। नंबर 1, पिस्सू। आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा जंपर है। पिस्सू अपने शरीर की लंबाई से 220 गुना ऊंचा छलांग मार सकता है, जिसका मतलब है कि ये एक ही छलांग में 400 मीटर लंबी इमारत को पार कर सकता है। पूरी दुनिया में इसकी 2500 से भी अधिक तरह की प्रजातियां पाई जाती है। ये अपने शरीर से 150 गुना ज्यादा भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। ये डेली अपने शरीर के वजन से 15 गुना ज्यादा खाना खाते हैं, और ये अपने खाने में ज्यादातर इंसानों के खून को पसंद करते हैं, इसलिए इसे खून का प्यासा पिस्सू भी कहा जाता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे अपना बहुमूल्य लाइक जरूर दे। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो यार मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय धरती माँ।